स्वागत है जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को आड़े हाथों ले लिया है। बता दें कि बन कुमारी मायावती जी ने तमाम बहुजन समाज के लोगों से इस बात का आह्वान कर दिया है, कहा है कि आरक्षण और संविधान की रक्षा अब अपने बल पर ही करना होगा। साथियों बता दें कि आज बन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आया है और यह ट्वीट जो है वो एससी एसटी रिजर्वेशन मामले को लेकर है। 1 अगस्त 2024 को जो फैसला आया उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों के बाद 21 अगस्त की तस्वीर सामने आई और 21 अगस्त को भारत बंद तमाम एससी एसटी समुदाय के लोगों ने किया। बावजूद इसके एक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान बचाने, आरक्षण बचाने, जाति जनगणना कराने, इन मुद्दों को लेकर लोगों से वोट लिया, आज वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बन कुमारी मायावती जी लगातार सवाल कर रही हैं। उनका यह मानना है या फिर ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो स्टैंड है वो अब तक क्लियर नहीं है, अब तक स्पष्ट नहीं है। यह बहुत खतरनाक है, यह बहुत घातक है। सरकार के द्वारा 21 अगस्त के इस आंदोलन के बाद तमाम पूरे देश के अंदर ज्ञापन सौंपा गया राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रहे, ना ही अब तक कोई ऐसा आश्वासन मिला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब तक विशेष सत्र बुलाने की कोई तैयारी सरकार की देखने को नहीं मिल रही है। और इसी बात को लेकर बन कुमारी मायावती जी जो है वो सरकार के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी नहीं बख्श रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे बड़ा को दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बन मायावती जी मानती हुई देखने को मिल रही हैं। बता दें कि आज जो उन्होंने ट्वीट किया है यह मुख्य तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यह ज्यादा हमलावर देखने को मिल रही है। बता दें कि बन मायावती जी ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जितनी केंद्र सरकार की चुप्पी है उससे कहीं घातक विपक्ष की चुप्पी है, कांग्रेस की चुप्पी है, सपा की चुप्पी है। तो ये बन मायावती जी का कहना है कि आरक्षण पर इनके अब तक कोई भी साफ साफ बयान नहीं आए, इनका क्या स्टैंड है अब तक क्लियर नहीं हुआ है। उन्होंने लिखा है कि सपा व कांग्रेस आदि एससी एसटी आरक्षण के समर्थन में तो अपना स्वार्थ व मजबूरी में बोलते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण व क्रिमिनल को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हैं, जो इनकी यह आरक्षण विरोधी सोच है। ऐसे में सजग रहना जरूरी है। बहुजन समाज के लोगों को बन कुमारी मायावती जी ये बता रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आरक्षण के समर्थन में अपने बयान जारी तो कर रहे हैं, वह मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तो उसके खिलाफ ये लोग नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिजर्वेशन में जो सब क्लासिफिकेशन का मामला सामने आया है एससी एसटी रिजर्वेशन में, इसी के साथ साथ क्रिमिनल की जो बात कही गई उसको लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने अपना रुख जो है वो क्लियर नहीं किया है। और इसी वजह से बन मायावती जी ने कहा है कि इससे ये समझ आता है कि इनकी आरक्षण विरोधी सोच है और बहुजन समाज के लोगों को सजग रहना चाहिए। बन मायावती जी ने आगे ये कहा है कि सपा व कांग्रेस आदि के चाल चरित्र व चेहरा हमेशा एससी एसटी विरोधी रहा है, जिस क्रम में भारत बंद को सक्रिय समर्थन नहीं देना यह भी साबित करता है। वैसे भी आरक्षण संबंधी इनके बयानों से यह स्पष्ट नहीं है कि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में है या विरोध में है, ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों है। बन मायावती जी ने बड़ा सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह इनका जो स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है या उसके विरोध में है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इन्होंने भारत बंद को समर्थन नहीं दिया और कुछ जगह जो है धूल मूल सा समर्थन देखने को मिला समाजवादी पार्टी का। तो ये बन मायावती जी का कहना है कि इनका आरक्षण के संबंध में इनका जो विचार है, इनके जो बयान है और इनकी जो इन्होंने जो समर्थन नहीं दिया, इस बात से यह समझ आता है कि वह स्पष्ट रूप से अब तक इस बात पर नहीं, इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए कि वह इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में है, और ऐसे में ये आरक्षण विरोधी इनका जो स्वभाव है वह एक बार फिर से सबके सामने उजागर होता हुआ देखने को मिल रहा है। बन मायावती जी ने पूछा है कि इनका स्टैंड स्पष्ट नहीं है, आखिर ऐसी स्थिति
क्यों है, ऐसे भ्रम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों है, क्या वह बहुजन समाज के लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं, या वह खुलकर एससी एसटी के रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन और साथ ही क्रिमिनल इसको लेकर वह कहीं ना कहीं वह समर्थन में ही है। तो यहाँ बहन मायावती जी ने आगे ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य पार्टियां आदि आरक्षण के विरुद्ध फिर से अंदर अंदर एक लगती हैं। तो ऐसे में केवल एससी एसटी ही नहीं बल्कि अन्य ओबीसी को भी अपने आरक्षण व संविधान की रक्षा तथा जातीय जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर अब बड़ी समझदारी से लड़नी है। तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़े बात बहुजन समाज के तमाम लोगों को कहा है, खासकर एससी एसटी ओबीसी को। रिजर्वेशन को लेकर बहन मायावती जी का कहना है कि जो बाकी के दल है उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनकी मंशा जो है वो अंदर अंदर एक ही है। दो तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें मुख्य तौर पर एनडीए के साथ शामिल कुछ दल जो है वो अभी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका स्टैंड उतना भी क्लियर नहीं आ पाया है। जैसे कि आप देख सकते चिराग पासवान, इनका समर्थन देखने को मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ना समर्थन समझ में आ रहा है ना विरोध समझ में आ रहा है। और ये जो स्थिति है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, इससे बहुजन समाज को सतर्क और सजग रहने की बात बहन मायावती जी ने कही है। साथ ही बहन मायावती जी ने ये भी कहा है कि अंदर अंदर सारे पार्टियों की मिलीभगत लग रही है और अंदर अंदर उनके जो विचार है वो एक ही तरीके से देखने को मिल रही है। और इसीलिए बहन मायावती जी ने अब ये कहा है कि एससी एसटी के लोगों के साथ साथ ओबीसी के लोगों को भी इस बात को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और साथ ही ओबीसी के जाति जनगणना का एक मुख्य मुद्दा है, पूरे देश भर के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा है। इन तमाम बातों के लिए अपने बल पर लड़ाई लड़ने की बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है और समझदारी से अपने बल पर इस लड़ाई को लड़ने की बात बहन मायावती जी ने कही है। बता दें कि जब से एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया, बहन कुमारी मायावती जी की रातों की नींद उड़ चुकी है। लगातार एससी एसटी के लोगों के सम्मान में एससी एसटी समाज के 40 करोड़ जनता के रिप्रेजेंटेशन को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी लगातार सरकार के साथ सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ने सड़कों पर भी 21 अगस्त को सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं को झंडे के साथ उतारा। उसके बाद लगातार ट्विटर हैंडल से भी बहन मायावती जी सरकार से सवाल कर रही हैं, पूछ रही हैं कि आखिर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ही है जो राहुल गांधी से सवाल कर रही हैं, अखिलेश यादव से सवाल कर रही है कि आखिर जिन लोगों ने वोट लिया था आप जब चुनाव में आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो ये कहां था कि हम संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाएंगे, जाति की जनगणना करेंगे, लेकिन आज वो सारे मुद्दे गायब हैं। आज जितना जो आंकड़ा लोकसभा के अंदर कांग्रेस के पास है या फिर इंडिया अलायंस के पास है, वह आंकड़ा या फिर वह सारे के सारे अगर सांसद लोकसभा में ही जब यह फैसला आया और यह विरोध करते, तो यह फैसला सुप्रीम कोर्ट पर लगाम लग जाती, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती। लेकिन अंदर अंदर दोनों ही पार्टी और दोनों ही अलायंस, मान एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, दोनों की साठगांठ है और दोनों के जो विचार है, भले पार्टियां अलग हो लेकिन इनके जो विचार है आरक्षण संबंधी और आरक्षण विरोधी जो विचार है वो लगभग एक तरीके है। और इसी वजह से यह लोग जो है वो विरोध करते हुए नहीं नजर आ रहे और ना ही वो इसका विरोध तो नहीं कर रहे और अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं कर रहे, ताकि बहुजन समाज के अंदर, खासकर एससी एसटी समाज के अंदर, कांग्रेस को लेकर या समाजवादी पार्टी को लेकर या फिर और भी अन्य जो दल हैं इंडिया अलायंस में शामिल है, उनमें से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। यह इसलिए ताकि एससी एसटी समाज के अंदर इन पार्टियों की छवि खराब ना हो, लेकिन समर्थन भी नहीं किया है, ना ही इनके लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सावधान रहने की अपील की है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपने बल पर संविधान बचाने की बात बहन मायावती जी कर रही हैं और अपने बल पर आरक्षण बचाने की बात कर रही हैं और अपने बल पर
जाति जनगणना की बात कर रही है। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।